चुके हैं हमारे सीनियर साथी प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप आगे कार्रवाई करें। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी वसीम सर। वेलकम सर। आई होप माय स्लाइड्स आर विजिबल टू यू। यस सर। Just a minute, please. Assalamu alaikum, adab. जैसे कि आपको स्लाइड नजर आ रहे हैं, आज हम लोग आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये यूनिट थर्ड है। हमने पहले टॉपिक में ये देखा कि आईसीटी क्या है पहले यूनिट में, फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि इंटरनेट और तालीम का क्या ताल्लुक है और कैसे तालीम में इंटरनेट या आईसीटी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उसके लिए टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या करनी चाहिए, आज इन चीज़ों को हम देखेंगे। जिन बातों का इहाता मैं आज के प्रेजेंटेशन में करने जा रहा हूँ वो है, सबसे पहले तो आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग एंड लर्निंग के बारे लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, जिसमें ई लर्निंग एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है। दूसरा है वेब बेस्ड लर्निंग जो ई लर्निंग का ही हिस्सा है। फिर मूक्स है, उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग है, फ्लिप्ड लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इनमें से कितने स्ट्रेटजीज को के नाम आपने सुने थे या नहीं सुने थे या पहली बार सुन रहे हैं? क्या आप पहली बार सुन रहे हैं? जी, e-learning और web-based learning सुने से बाकी सब नए हैं। तो हम लोग देखते चलेंगे कि e-learning जो आप जानते हैं और जो theoretically e-learning क्या है, इसको थोड़ा सा academic point of view से देखेंगे। फिर web-based learning उसी का हिस्सा है, इसको जानेंगे। e-learning जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके अंदर e है plus learning है। लर्निंग यानी इक्तिसाद जो क्लासरूम के अंदर कमरे जमात के अंदर होता है, जिससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर इक्तिसाद फराहम किया जाए तो ई लर्निंग कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इक्तिसाद फराहम किया जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का होना ज़रूरी है। कौन से टूल्स होंगे? कंप्यूटर और इंटरनेट दो ऐसे टूल्स हैं जिनका होना ई लर्निंग में ज़रूरी है। इसको ई लर्निंग आज के ज़माने में ज़रूरी क्यों है? अगर इसको देखते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि आज का नॉलेज वसी से वसीतर होता जा रहा है। एक्सपांडिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जुड़े रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ई लर्निंग का जानना बेहद ई लर्निंग के जरिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम एक दूसरे के साथ नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो फिजिकली एक जगह मिलते हैं, दूसरा जो है व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हुए हैं, फोन के जरिए जुड़े हुए हैं, फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं। आजकल का लर्नर जो है नेटवर्क लर्नर है। क्या नेटवर्क लर्नर अपने टीचर के साथ जुड़ सकता है? इसी का जवाब है ई लर्निंग के जरिए जुड़ सकता है। इसके मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ चीजें हैं ई लर्निंग के, जैसे ई रिसोर्सेस है। ई रिसोर्सेस यानी इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल रिसोर्सेस या वसाइल है।
वसाइल कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल होंगे तो या तो आपके कंप्यूटर में महफूज होंगे, या तो आपके मोबाइल में महफूज होंगे, या तो वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। वेबसाइट पर बहुत सारा जखीरा मौजूद है इंफॉर्मेशन का, लातदा बेशुमार रिपोजिटरी मौजूद है, उसको हासिल करके लर्निंग हासिल की जा सकती है। किसके जरिए उसको पहुंचा जा सकता है? प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि एक विंडो जो हमें रिपोजिटरीज तक पहुंचाता है वो सर्च इंजन है। सर्च इंजन के जरिए जो है रिपोजिटरीज तक पहुंचा जा सकता है, ई रिसोर्सेस हासिल होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस के जरिए ई लर्निंग मुमकिन है। ऑनलाइन कोर्सेस में एक कमरा जमात में जैसे एक टीचर और स्टूडेंट होते हैं, कुछ वक्त मुख्तस होता है, हर दिन मिलते हैं, कंटेंट ट्रांजैक्ट होता है, तो इसी तरह से वर्चुअल क्लासरूम बन जाती है ई लर्निंग में, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जैसे आज हम जुड़े भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए ई लर्निंग के जरिए मवाद हासिल किया जा सकता है। फिर अगर देखें तो ई लर्निंग की कैटेगरीज मजीद अगर देखें तो तीसरी कैटेगरी है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग को मैं मजीद तफसील के साथ आगे बताऊंगा, यहाँ मुख्तसर ये ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है बोथ लर्निंग, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन जिसमें डिजिटली हम जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जो है कमरे जमात में एक दूसरे के साथ। इस तरह से कम्युनिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स बन जाती है। ये लर्निंग में असातिज़ा जुड़े हुए हैं, तलबा जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर ई रिसोर्सेस मौजूद है, हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, टीचिंग हो रही है, कंटेंट जो है ऑनलाइन हासिल किया जा रहा है, और आइडियाज हमारे एक दूसरे के साथ शराकत हो रही है। तो ई लर्निंग के ये सारे खसूसियात हैं। एडवांटेज अगर देखे जाए ई लर्निंग के तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि 1000 तलबा को भी ई लर्निंग के जरिए आसानी के साथ एक टीचर हैंडल कर सकता है। लेकिन बनने के वक्त आइडियाज बहुत चाहिए, बनाने के लिए खर्च आएगा, लेकिन एक बार बन जाए तो हर साल 1000-1000 तलबा को वो डील कर सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, चूंकि ई लर्निंग वसाइल ऑनलाइन बच्चा हासिल करता है तो वो उसको हासिल करने के लिए अपनी स्पीड से अपने एबिलिटीज के मुताबिक जो है बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा। एनीवेयर एनी टाइम लर्निंग पॉसिबल है, कहीं भी कभी भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्कूल ही आए, 10 to 5 ही अटेंड करें और मालूमात हासिल करें, ये फायदे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं डील कर रहा हूँ वेब बेस्ड लर्निंग है। वेब बेस्ड लर्निंग ये है कि आप अपने कमरे जमात को जो है वेब बेस्ड लर्निंग में कन्वर्ट करना है तो उसमें वीडियो शामिल करना है, उसमें बुक्स शामिल करना है, डॉक्यूमेंट शामिल करना है, असेसमेंट या तशवीश के नए तरीके शामिल करना है, PDF के जरिए मवाद फराहम करना है, इमेजेस फराहम करना है। देखिए, गया जमाना चौक और टॉक मेथड का, जहां पर सिर्फ तख्ते सिया पर या वाइट बोर्ड पर टीचर लिखा करता था, अब चार्ट और मैप से आगे बढ़ के हम क्लासरूम में ये सारी चीजें फराहम कर सकते हैं। अगर डिजिटली ये सारी चीजें आप फराहम करें तो आपकी क्लास हो जाएगी वेब बेस्ड लर्निंग। वेब बेस्ड लर्निंग के जरिए एक मौलिम जो हैदराबाद के मुगलपुरा स्कूल में पढ़ा रहा है, सिर्फ मुगलपुरा तक महदूद नहीं रहेगा, वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़कर सिटी, स्टेट, नेशन से बढ़ के आगे तक पहुंच सकता है। ये इकोनॉमी कंट्री की बढ़ा सकता है, वो इस तरह के तलबा जो है नए स्किल्स वेब बेस्ड लर्निंग से हासिल करेंगे, नया प्रोडक्टिव उनका बिहेवियर होगा जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी और कंट्री की इनकम बढ़ेगी। क्योंकि तालिब इल्म खुद सीखना चाहता है, इंश्योर्स लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग जो है इंश्योर हो जाती है और लर्निंग हासिल होती है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग यहाँ पर मुमकिन है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इस तरह कि देखिए, कोई वीडियो से सीखना चाहता है, कोई किताब पढ़ के सीखना चाहता है, कोई उस्ताद के जरिए सीखना चाहता है, मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं, कोई अपने वक्त में मखसूस वक्त में सीखना चाहता है, ये सारी चीज़ें मुमकिन है वेब बेस्ड लर्निंग में। और इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन जो होता है, हिदायत जो होती हैं इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि एक तो तालिब इल्म मुतहरिक है और उस्ताद भी नई तरकीबें इस्तेमाल कर रहा है, तो लर्निंग बहुत इफेक्टिव रहती है।
वर्चुअल क्लासरूम भी इसके अंदर शामिल है। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहां एक चीज जैसे पहले हम चल के जाते थे, फिर साइकिल आई, साइकिल के जरिए जाने लगे, फिर गाड़ी के जरिए, गाड़ी के जरिए जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आप चलना भूल गए हैं। यानी कोई फायदे कोई नुकसान तो हर चीज के होते हैं, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे सोशली आइसोलेशन होता है, आप कमरे जमात में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पर खेलना मिलना जुलना बंद हो जा रहा है, सोशली आइसोलेशन हो जा रही है। लैक ऑफ इफेक्टिव ट्यूटोरियल्स, जो तालिब उस्ताद के टच से, उसका उस्ताद के प्रेजेंस से सीखता है वो सीख नहीं पाता है। जैसे हमारे क्लासेस में भी हम अक्सर देखते हैं कि टेक्निकल इश्यूज इरप्ट होते हैं, हम लोग डेटा अगर सही नहीं है या आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, उसका भी असर जो है तालिबे इल्म पर होता है, तो ये टेक्निकल इश्यूज भी है। तीसरा कंपोनेंट जिसको मैं टच करने जा रहा हूँ, ये वेब बेस्ड लर्निंग है। वेब बेस्ड लर्निंग जिस तरह दूसरा ही कॉन्सेप्ट है वेब बेस्ड लर्निंग। क्योंकि वेब बेस्ड लर्निंग है इसलिए इसमें WWW या वर्ल्ड वाइड वेब जरूरी है। इसमें जो है यूज टू अचीव, ये जो है हमारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल मकासद को हासिल करने के लिए वेब बेस्ड लर्निंग कारामद है। ये टीचर और टॉट, स्टूडेंट और टीचर को कनेक्ट करता है। यहाँ पे किस किस तरीके से वेब बेस्ड लर्निंग की जा सकती है, चार तरीके हैं जिनके जरिए वेब बेस्ड लर्निंग की जा सकती है। तीन तरीके हैं, एक है ट्यूटोरियल्स, दूसरा है ऑनलाइन डिस्कशन, तीसरा है वर्चुअल क्लासरूम। ट्यूटोरियल्स यानी तालिबे इल्म के साथ एक जगह बैठ के हर एक प्रॉब्लम को समझाना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की जा सकती है। ऑनलाइन ट्यूशन भी आप देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। इंफॉर्मेशन इसके लिए टीचर को अरेंज करनी है कि आज क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। यहाँ पे जितना मुमकिन हो सके मल्टीमीडिया का इस्तेमाल टीचर करे। इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स लिंक्ड विथ ऑनलाइन रिसोर्सेज, देखिए जो टीचर पढ़ा रहा है वो ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ जोड़े, ताकि जो है तालिब इल्म अच्छे से सीख सके। इसमें सेल्फ असेसमेंट टूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ट्यूटोरियल है। इस तरह से ऑनलाइन डिस्कशन यानी मतलब यहाँ पे डिस्कशन तो है, डिस्कशन लेकिन हैज एलिमेंट ऑफ टीचिंग, तदरीस का भी एलिमेंट या आंसर इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसमें फोकस जो है डिस्कशन पे रहता है। क्योंकि फोकस डिस्कशन पे है, टीचर यहाँ पर एक गाइड और फैसिलिटेटर बन जाता है, इसलिए कुछ पढ़ाता नहीं लेकिन दूसरों के तलबा के जो भी डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करता है, उनको सोर्सेस बतलाता है कि कहाँ से उनके डाउट क्लियर हो। कम्युनिकेशन इसलिए जो है उनके डाउट्स का आना फिर उनको क्लियर करना, इसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, इसलिए एसिंक्रोनस भी हो सकता है। वर्चुअल क्लासरूम, ये हमारी क्लासरूम को ही इमेजिन कीजिए, एक वर्चुअल क्लासरूम है। आप और मैं रियल टाइम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल लर्निंग हो रही है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। अगर मैं आपको चाहूँ तो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे मैं अब पावर पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूँ तो ये स्क्रीन शेयरिंग भी मुमकिन है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है मैं सवाल भी पूछूँ, अगर सवाल पूछूंगा तो यहाँ पे खर्चा ये है कि आप में से सारे के सारे बैक वक्त बोल पड़ो, तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये एक क्लासरूम की कॉपी है, जैसा क्लासरूम है एक टीचर है, एक मौलिम है, ढेर सारे मुतालिम है, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वही है। लेकिन प्लस इसके अंदर एडवांटेज क्या है, आप फाइल शेयर कर सकते हैं, आप चैट में सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। ये मेथड जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग में, जैसे कि हमारे क्लासेस में, काफी कारामद साबित हो रहा है। अगला स्ट्रैटेजी, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है ICT को इस्तेमाल करके, ये MOOCs कहलाता है। MOOCs है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये एक एजुकेशन का नया तरीका है, अनोखा तरीका है, ताकि हम ता हयात सीखते रहे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो सके। तीन टाइप की तालीम को आपने देखा होगा, ये कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में मकासद तय है, वक्त तय है, निसाब तय है, उम्र तय है और तलबा की क्या क्या कैपेसिटीज और एबिलिटीज हैं ये तय है और उनको कहाँ ले जाना है ये भी तय है। लेकिन वो ये फॉर्मल एजुकेशन स्कूल के अंदर होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में हम जो है अपने अतराफ पेरेंट्स से सीखते हैं, बड़े भाई बहन से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, तो अतराफ जो भी लोग हैं कम्युनिटी के हजरात हैं उनसे सीखते हैं, तजुर्बात से सीखते हैं, जिसमें तजुर्बात पॉजिटिव भी हो सकते हैं या मनफी भी हो सकते हैं, मस्बत मनफी दोनों तरह के तजुर्बात हो सकते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को हमने यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन लिखा हुआ है। डिस्टेंस एजुकेशन में एजुकेशन टू द डिप्राइव्ड ओवरकमिंग बैरियर्स। बहुत सारे लोग आप में से बहुत जहीन होंगे जिनकी वजह से डीएलएड करते ही आपको जॉब आ गया और आप जॉब करने लगे, जो आपसे कम मार्क्स हासिल किए उन्होंने डिग्री की, बीएड किया, फिर उन्होंने जॉब हासिल की, जिन्होंने कम मार्क्स हासिल किए और ऊपर तक चले गए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप डीएलएड तक ही आपकी तालीम को महदूद रखें, डिप्राइव हो चुके हैं, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन या ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए आप सीख सकते हैं। ये MOOCs शुरू कब से हुआ? 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कुछ कुछ काम हुआ जिसमें 25 तलबा ने फीस पे करके 2300 तलबा ने बगैर फीस के चंद कोर्सेज को एडमिशन लिया। फिर इसी तरह की काविश हुई 2011 में, तीन चार यूनिवर्सिटी जैसे MIT है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरी वाशिंगटन वाशिंगटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, इन्होंने MOOCs पर काम करना शुरू किया। यहाँ पे MOOCs में ऑनलाइन कोर्सेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। MOOCs को तफसील से देखने के लिए मैंने एक यहाँ पे खाका पेश किया है। MOOCs जिस तरह से मैं कह रहा था, M stands for massive। मैसिव किसे कहते हैं? एक तालिब इल्म हो तो एक, अनेक तालिब इल्म तो अनेक। मैसिव यानी अनेक। अनेक का मतलब क्या है? 100 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, 100,000 या 1,00,000 है, कितने? देखिए एक क्लासरूम की हद है 40 तालिब इल्म, एक डिस्टेंस एजुकेशन की हद हो सकती है 1,000, 2,000, 5,000, ये लाखों की तादाद में मैसिव। इसकी इतना मैसिव है कि इसके तलबा जो है ढेर सारे होंगे। तो क्या एक टीचर होगा? टीचर्स भी बहुत सारे होंगे। क्या मवाद एक होगा? वो भी बहुत सारा होगा। हर चीज मैसिव है इसके अंदर। ओपन, ओपन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन। जिस तरह से हम कहते हैं कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होना चाहिए, इसी तरह से 16 साल का बच्चा 10th के एग्जाम लिखना चाहिए। यहाँ पर कोई कैद नहीं है, सारी कैद जो है हटाई गई है। ओपन रजिस्ट्रेशन होता है, कोई भी कुछ भी एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे कंटेंट ओपन है, यहाँ पे चार्ज देकर पैसे देकर डिग्री ले सकते हैं या तो सिर्फ पढ़ सकते हैं। ये अफोर्डेबल है क्योंकि जाने की जरूरत नहीं है, टीचर को मिलने की जरूरत नहीं है, वक्त तो वहीं पर क्लास में लगाने की जरूरत नहीं है, तो ओपन है, इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि ऑनलाइन ही ये सारे मटेरियल अवेलेबल है। आज ओपन डिस्टेंस लर्निंग का ये खसूसियत है कि आपके पास सेल्फ लर्निंग मटेरियल आ जाता है, आप हैंड रिटन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपकी काउंसलिंग एक मखसूस जगह पे होती है, वर्कशॉप के लिए वक्त दिया जाता है, तो ये सारी चीजें वहां पर तो मैं MOOCs में जो है ऑनलाइन ही होती है। कोर्स, जैसे कोर्स में आपकी स्पीड क्या होगी, स्टूडेंट की स्पीड क्या होगी, कब शुरू होगा? हमारे यहाँ पे जुलाई में एक कोर्स शुरू होता है, जनवरी में एक कोर्स शुरू होता है, यहाँ पे कोई कायदोबंद नहीं है। कॉलेज के क्रेडिट कितने लेने चाहिए, कितने देने चाहिए, कब बैच मिलेगा, कौन सा बैच मिलेगा, या आपकी ग्रेडिंग क्या होगी, इंस्ट्रक्टर का रोल किस तरह से होगा, ये भी जो है आपके कोर्स के हिसाब से आपकी लर्निंग कम्युनिटी बन जाती है। और स्क्रिप्टेड असाइनमेंट एंड फीडबैक पहले से तयशुदा होते हैं, आपको उनके तहत आपको इवैल्यूएट किया जाता है। MOOCs के अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टूडेंट या तालिब इल्म जो है चॉइस बेस्ड कोर्सेस के जरिए एडमिशन लेता है, उसको जो चाहिए उसमें एडमिशन। हमारे यहाँ पे अगर साइंस में एडमिशन लेता है तो सिर्फ साइंस में करना पड़ता है। अब नई तालीमी पॉलिसी बता रही है कि साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग के साथ साथ लैंग्वेजेस भी पढ़ सकते हैं, चॉइस बेस्ड हो गया है।
टेक्स्ट के जरिए आप पढ़ सकते हैं, वीडियो के जरिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए, कनेक्ट विद एक्सपर्ट के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। इन टाइम एग्जामिनेशन मुमकिन है यहाँ पर। ये फायदे हैं इसके। फिर उसके बाद अगर देखें असाइनमेंट और रिजल्ट भी जो है बच्चे को मिल जाते हैं। और फीस ऑनलाइन क्या क्या चीजें हैं, आप अगर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो आपको जाना होगा, प्रॉस्पेक्टस लाना होगा, फीस भरना होगा, एग्जाम वहीं पर देना होगा, असाइनमेंट वहीं पर देना होगा, इंटरव्यू अगर होता है वाइवा उसी अटेंड करना होगा, टीचिंग लर्निंग होगी, गाइडेंस होगा, इवैल्यूएशन सभी जो फिजिकली करना पड़ता है। MOOCs में ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है। कोर्स कौन कौन कर सकता है, आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, आप अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, जैसे आप MS Office कुछ सीखना चाह रहे हैं, ये आपके तदरीस और इक्तिसाब के दायरे में नहीं आता, उससे आपका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आपको अपने आप को इक्विप करना चाहते हैं, तो MOOCs के जरिए तालीम हासिल कर सकते हैं। कोई बैरियर है क्या, इसके हुदूद है क्या, रुकावटें हैं क्या, नहीं, जेंडर के एतबार से नहीं, डिस्टेंस के एतबार से नहीं, टाइम के एतबार से नहीं, एज के एतबार से नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के एतबार से नहीं, आपको यहाँ तक के फिजिकली इंस्टीट्यूशन विजिट करने की भी जरूरत नहीं, कोई हुदूद कोई रुकावटें इसके अंदर नहीं है। ड्रॉप आउट कैन यूज MOOCs, ड्रॉप आउट भी यूज कर सकते हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं। यूजीसी ने खुद कहा है कि 40% ऑफ कोर्सेज जो है आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। एडमिशन आपके दिलचस्पी, आपकी जरूरत, आपके पुराने तजुर्बात के हिसाब से आप ले सकते हैं, किसी भी मजमून में ले सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप ले सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, MOOCs किस तरह से होता है, जैसे हमने बीएड में दाखिला लिया, 2 साल का कोर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतने काउंसलिंग अटेंड करने पड़ेंगे, इतने वर्कशॉप, तो यहाँ पे MOOCs का स्ट्रक्चर देखिए, ड्यूरेशन है इसका 6 से लेके 12 हफ्तों तक का, 24/7 आपको कोर्सेस अवेलेबल है, जब चाहे आप पढ़े, कोई उसका टाइम लिमिट नहीं है। मटेरियल वेबसाइट पे रखा हुआ है, कॉन्टैक्ट काउंसलिंग जो है, जब कॉन्टैक्ट या काउंसलिंग होती है तो टाइम फिक्स किया जाता है और मखसूस मवाद पर डिस्कशन होता है कोर्स से रिलेटेड। वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप 1 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो, मैंने खुद देखा है, मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखता। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, छोटे छोटे 2-2 मिनट के यूट्यूब वीडियोज आप पसंद करते हैं, तो इसी बेसिस पे 5 से 10 मिनट के वीडियोस MOOCs में रखे गए हैं, ताकि एक एक कंटेंट के मवाद को आसानी से आप समझ सकें। क्वेश्चंस भी होने चाहिए कि बच्चा जो है सीख रहा है नहीं, इसको जांचने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, इसका इवैल्यूएशन या तो एक्सपर्ट करते हैं या तो दूसरे साथी स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं। कोर्स मटेरियल के लिए पैसे दे के खरीदना पड़ता है क्या, नहीं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए लिंक्स भी अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट क्या होगा, जब इतनी सारी सहूलियात हैं तो आपको रिक्वायरमेंट भी होगा, कुछ कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आप सर्टिफिकेट चाहिए तो पे करना होगा। वैलिड है क्या, यस वैलिड है। पेमेंट करना है क्या, पे भी कर सकते हैं, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहे तो पे करने की जरूरत नहीं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ब्लेंडेड लर्निंग अगला कौन स्ट्रैटेजी, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडिंग आप कभी करते हैं क्या, घर में कोई ब्लेंडिंग करते हैं, आपकी मौजूदगी जानना चाह रहा हूं। ब्लेंडिंग होता है, हाँ हाँ, कहाँ पर करते हैं, मिक्सर में, मिक्सर में मसाला पीसते वक्त करते हैं ना, हाँ, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च, थोड़ा कोकोनट पाउडर, इस तरह से जो जरूरत के हिसाब से है वो ब्लेंड करते हैं। यानी आप क्लासरूम के इसमें जो है फेस टू फेस प्लस ई लर्निंग दोनों का ब्लेंड होता है, फेस टू फेस भी होता है, ई लर्निंग का भी होता है। ऑल्सो यूजेस मूडल फॉर आउटसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास अगर बच्चे को पढ़ाना है तो मूडल का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए क्लासरूम में तदरीस हो रही है, ऑनलाइन में तदरीस हो रही है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड के लिए मैंने यहाँ पे जो इमेज ली है, ब्लेंडेड लर्निंग में देखिए तालिबे फेस टू फेस पढ़ रहा है,
ट्विटर के जरिए पढ़ रहा है, इंस्टाग्राम के जरिए पढ़ रहा है, यूट्यूब के जरिए पढ़ रहा है, जो है वाईफाई पढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए पढ़ रहा है, मुख्तलिफ तरीकों को ये जार के अंदर पीसा जाता है, ब्लेंड किया जाता है हसब जरूरत। तो इसमें वेब और फेस टू फेस दोनों सहूलियात मौजूद हैं, वेब इंस्ट्रक्शंस और ऑनलाइन कोर्सेज। टीचर इसके अंदर वेब इंस्ट्रक्शंस और ऑनलाइन कोर्सेज प्लस टीचर इंस्ट्रक्शन लाइक सेमिनार ट्यूटोरियल्स ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है टीचर। यूजेस इसके अंदर ऑडियो वीडियो, यहाँ पर देखें ऑडियो वीडियो, फिर वीडियो कैसेट्स, लर्निंग मटेरियल, ऑनलाइन टेस्टिंग, ऑनलाइन रेफरेंसिंग, जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, कैमरा, प्रोजेक्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों का ब्लेंड किया जाता है। ब्लेंड किस तरह से किया जाता है, टेक्नोलॉजी के जरिए ब्लेंड किया जा सकता है, और रूटीन टीचिंग को ऑगमेंट किया जाता है या उसके साथ जोड़ा जाता है वेब के जरिए। वेब 2.0 जब से आया है, ट्रेडिशनल टीचिंग प्लस ऑनलाइन मटेरियल को जोड़ना आसान हो गया है, जो ब्लेंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। लर्नर कैन शेयर ऑन वेब, जो लर्नर सीखता है वो फेसबुक पे डालता है, ट्विटर पे डालता है, उसको एडिट करता है, तो लर्नर अब ब्लेंडिंग में हिस्सा लेता है। वेब 2.0 में सोशल नेटवर्किंग, विकिपीडिया, ब्लॉग्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला है फ्लिप्ड लर्निंग। फ्लिप्ड लर्निंग, फ्लिप्ड यानी पलटाया हुआ, उल्टाया हुआ, या जो है उसको रिवर्स करना, ठीक है। फ्लिप्ड लर्निंग इस तरह का इक्तसाब फ्लिप्ड लर्निंग करता है, यानी फ्लिप्ड लर्निंग में जो है क्लास टाइम फॉर स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज एंड इंडिविजुअल अटेंशन। देखिए पहले क्लास तदरीस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, यहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप बना के डिस्कशन के लिए क्लास हो सकता है। लेक्चर मटेरियल एंड प्रेजेंटेशंस टू बी व्यूड एट होम और आउटसाइड द क्लासरूम। अब लेक्चर क्लासरूम में दिया जा रहा है, यहाँ पर फ्लिप्ड लर्निंग में जो है आउटसाइड द क्लासरूम दिया जाएगा। प्रायोरिटाइजिंग एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे तालिबे जो है एक्टिव लर्निंग होता है, इसको मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ग्रुप स्पेस यानी क्लासरूम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डायनेमिक इंटरएक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायनेमिक हो जाता है, हकी हकी हो जाता है, इंटरएक्टिव लेन देन का माहौल हो जाता है, वेयर एजुकेटर गाइड स्टूडेंट्स, उस्ताद जो है स्टूडेंट को गाइड करता है एज दे अप्लाई कॉन्सेप्ट्स एंड एंगेज क्रिएटिवली इन द सब्जेक्ट मैटर। अब लड़ाई झगड़े में एंगेज नहीं है, सब्जेक्ट मैटर को सीखने में सिखाने में बच्चे जो है एंगेज हो जाते हैं। यहाँ पर टीचर जो है एक्सप्लेन्स यूजिंग वीडियो और थ्रू प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और विथ वॉइस ओवर। जैसे आप टेक्स्ट बुक का एक मवाद दीजिए, एक पेज, उस पर वॉइस ओवर करिए और जो है बच्चे को रिकॉर्डेड वीडियो भेज दीजिए, वो बच्चा घर पर देखेगा आएगा। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में किस बेहतरीन अंदाज में दिखाया गया, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम है, यहाँ पर एक मुअल्लिम बहुत सारे मुतअल्लिम है। यहाँ पर क्या कर रहा है टीचर जो है पहले से तैयारी करके आ रहा है, लेसन प्लान बना रहा है कि आज क्या पढ़ना है, फिर यहाँ पे क्लासरूम में पढ़ा रहा है। ये मुअल्लिम पढ़ा रहा है तो मुतअल्लिम खामोश है, पैसिव है। यहाँ पे मुअल्लिम चुस्त, मुतअल्लिम सुस्त, स्टूडेंट लिसन करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे जांचा जाता है, घर में उनको बच्चों को जो है होमवर्क दिया जाता है कि जाने कि क्या उन्होंने जो क्लासरूम में पढ़ाया गया है समझे हैं कि नहीं। ये रिवायती क्लासरूम है। अब फ्लिप्ड क्लासरूम, इसके अपोजिट में फ्लिप्ड क्लासरूम में देखें तो मुअल्लिम ने पहले से एक रिकॉर्डेड वीडियो तालिबेन को दिया है। देखिए मुअल्लिम जो है टीवी के अंदर नजर आ रहा है या उसका वीडियो प्रोग्राम है, ऑडियो प्रोग्राम है, मुअल्लिम घर के अंदर बैठ के मुतअल्लिम घर के अंदर बैठ के देख रहा है वीडियो, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। जब वो क्लास में आएगा तो मुअल्लिम और मुतअल्लिम सब शरीक होंगे लर्निंग के प्रोसेस में, एक दूसरे के साथ छोटे छोटे ग्रुप, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया, मिल के एक दूसरे के साथ बैठेंगे और वहां पे इस मवाद को जो उन्होंने सीखा है यहाँ पर एक दूसरे के साथ डाउट्स क्लियर करेंगे या नई मालूमात फराहम करेंगे। तो ये यहाँ पे तदरीस उलट गई है, पलट गई है, क्लासरूम में तदरीस न होकर
घर पर हो रही है और यहाँ पे आके यादा किया जा रहा है। हिस्टोरिकली जब देखें तो 1993 में सबसे पहले एलिसन किंग ने एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। उससे पहले जो है पैसिव लर्निंग हुआ करता था, बाद में पैसिव लर्निंग हुआ करता था, अब जो है एक्टिव लर्निंग हो रहा है। एक्टिव लर्निंग में कौन एक्टिव है, ये तालिबेल में एक्टिव है। और नया कॉन्सेप्ट ये 2000 में आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, यानी जैसे फिजिकली कोई डिसेबल्ड है, मेंटली कोई रिटार्डेड है, इस तरह के बच्चों के लिए अलग स्कूल्स होते थे। कोई वीडियो के जरिए सीखता है, कोई ऑडियो के जरिए सीखता है, अलग अलग तरीके इक्तसाब है। इन सब को इंक्लूसिव तौर पर एजुकेशन देने के लिए ICT का इस्तेमाल होने लगा, जैसे पिक्चर, वीडियो, रिकॉर्डेड लेक्चर, टीवी, VCR वगैरह, जिससे एनहांस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस मुमकिन हो सके। इसके लिए एक बेहतरीन एग्जांपल 2004 में खान एकेडमी या सलमान खान जो USA में है उन्होंने शुरू किया। उन्होंने अपनी भांजी या भतीजे को जब पढ़ाना शुरू किया जो बांग्लादेश में थी, वो खुद US में थे, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कंटेंट के ऊपर तैयार करके अपनी भतीजी या भांजी को भेजते थे। वो इतना मकबूल आम हुआ कि आजकल खान एकेडमी के जरिए मुख्तलिफ रियासती सिलेबस, इंडिया के मुख्तलिफ रियासतों के सिलेबस पर भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। हम उसको वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हासिल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। ये इस तरह की जैसे ग्रोथ होने लगी, एक्टिव लर्निंग होने लगा, इंक्लूसिव एजुकेशन होने लगा, खान एकेडमी का इंटरवेंशन रहा, तो आगे बढ़कर 2007 में बर्गमैन एंड सैम जो है इन्होंने फ्लिप लर्निंग को प्रपोज किया, जिसका तस्करा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक और स्लाइड है में इसका जिक्र है। फ्लिप लर्निंग के प्रोसेस कैसा है, अमल, तालीमी अमल या इक्तसाबी अमल किस तरह से होगा। फ्लिप लर्निंग में देखिए दो चीजें, इन क्लास एक्टिविटी, क्लासरूम में भी कुछ एक्टिविटीज होंगे, आउट ऑफ क्लास एक्टिविटीज भी कुछ होंगी, कुछ एक्टिविटीज क्लास में, कुछ एक्टिविटीज आउट ऑफ क्लास में। आउट ऑफ क्लास की पहली एक्टिविटी है, स्टूडेंट आने से पहले जो है क्लास आने से पहले वो वीडियो देखता है, लेक्चर देखता है और कंटेंट सीखने की कोशिश करता है। जब क्लास में आता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ एक्टिवली एंगेज, आपको कोई चीज मालूम हो तो उसके बारे में बहुत सा मुबाहसा करना बहुत आसान होता है, तो अपने दूसरे तलबा के साथ वो डिस्कस करता है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो टीचर भी छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनके डाउट्स क्लियर करेंगे इन क्लास एक्टिविटीज। फिर उसके बाद अगर फिर वो अपने घर जाता है, अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है, किस हद तक अंडरस्टैंडिंग उसको हासिल हुई है, इसको आफ्टर द क्लास जानने की कोशिश करता है। ये फ्लिप लर्निंग का पूरा तदरीसी अमल है। यहाँ पर देखिए रिवायती तरीके क्लासरूम किस तरह से हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम किस तरह से, घर पे क्या काम कर हो रहे हैं, स्कूल पे क्या काम हो रहे हैं। जैसे स्कूल में ट्रेडिशनल क्लासरूम में अगर देखें तो टीचर सामने है, टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है और तलबा सुन रहे हैं। यहाँ पे रिवायती तरीके में जो है स्टूडेंट घर पे जा रहा है, अपना होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा है। फ्लिप लर्निंग में क्या है, टीचर तदरीस नहीं कर रहा है, वो पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि तलबा के साथ एक पार्टिसिपेंट के तौर पर जुड़ा हुआ है और एक सहूलतकार या फैसिलिटेटर बन जा रहा है, वो उन्हीं का एक हिस्सा है। तो खुद भी बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, टीचर नहीं होने का सवाल नहीं है, टीचर का रोल बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पे घर जाके फिर स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट जो है जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर ने दिए हैं उसको देख रहा है। ये फ्लिप लर्निंग, इसमें एडवांटेजेस या फवायद क्या है, इसके ओनरशिप ओवर द लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि तालिबेल क्लास में डिस्कस करना है, घर में पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि ये कंटेंट मुझे मास्टरी हासिल करनी चाहिए कि ताकि मैं अपने साथियों के साथ डिस्कस करूं, तो ओनरशिप आ जाता है। चूंकि उसको बोलना है तो मोर डीपली डेप्थ के साथ
आजकल हम देखते हैं कि हम सिर्फ अखबार के पन्ने पलटते हैं, उसकी डेप्थ से रीडिंग नहीं करते हैं, किताबों को भी पलटते हैं, लेकिन जब किसी को बोलना होता है, जब किसी को लेक्चर देना होता है, तो वो बारीकी से हम देखते हैं। ये डीप लर्निंग पॉसिबल हो सकता है और जहन में कशीदा हो जाती है मालूमात। गेन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाती है। अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। देखिए हमारा नॉलेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, किसी भी चीज़ को हम बस मुबाहिसा करेंगे तो दूसरे के भी आइडियाज आएंगे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज भी पॉसिबल है। स्टूडेंट वर्क टूगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक ड्राइवर का प्रॉब्लम दूसरा ड्राइवर समझ सकता है, एक डॉक्टर का प्रॉब्लम दूसरा डॉक्टर समझ सकता है, तो स्टूडेंट एक दूसरे के प्रॉब्लम समझेंगे और कंटेंट को समझने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। यहाँ पर तलबा से भी फीडबैक मिल रहा है कंटेंट के ऊपर, उस्ताद भी फराहम कर सकते हैं। क्लास टाइम, पहले जहाँ पर कंटेंट देने के लिए वक्त दिया जाता है, अब हैंड्स ऑन वर्क और थिंकिंग क्रिटिकली पर, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर अब काम मुख्तस किया जा सकता है। टीचर्स स्पॉट नॉलेज गैप्स एंड एड्रेस देम। ये चूंकि एक एनवायरमेंट, एक क्लाइमेट, एक माहौल बन गया है, तो उस्ताद एक ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि नॉलेज गैप्स या लर्निंग गैप्स कहाँ हैं, ताकि उसको एड्रेस कर सके। अगला है, जो आखिरी है इसका, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। कंप्यूटिंग के लिए जो भी रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर के लिए, वो सारे इंटरनेट पर देने चाहिए। जैसे हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में कहीं और स्टोर हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर के लिए ढेर सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं, जैसे एडिशनल हार्ड डिस्क है, सीडी ड्राइव है, या और कोई चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े इदारों में सर्वर्स होते हैं ताकि मवाद सेफ्टी के साथ अवेलेबल रहे। जैसे मानो में कोई एडमिशन होता था, हमारे सर्वर्स पे डेटा इंस्टॉल होता था, और ये एहतियात बरता जाता था कि 24/7 मवाद जो है वो सर्वर काम करते रहे, ताकि तालिब इल्म जब चाहे उस पर मवाद एक्सेस करें। सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस, स्टूडेंट्स का डेटाबेस एक जगह जमा होता है, अब वो इंटरनेट पे होगा, नेटवर्किंग इंटरनेट पे होगी, सॉफ्टवेयर आपके सारे इंटरनेट पे होंगे, एनालिटिक्स इंटरनेट पे होगा, और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए होगा। ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग में होंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो फराहम करते हैं, जैसे क्लास में तदरीस करते हैं तो तदरीस करने वाले को मुदर्रिस, टीचिंग करने वाले को टीचर कहा जाता है। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग को फराहम करने वाले इदारे को क्लाउड प्रोवाइडर कहा जाता है। क्लाउड प्रोवाइडर जो है, क्लाउड प्रोवाइडर ऐसा नहीं है कि क्लाउड या बादल पे मौजूद होगा। क्लाउड प्रोवाइडर जो है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, ह्यूज बिल्डिंग, जिसमें सर्वर्स होते हैं, रनिंग जो एप्लीकेशंस रन करते हैं, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, जो डेटा प्रोसेस भी करता है क्लाउड प्रोवाइडर्स, अब हमारे वेबसाइट्स भी होस्ट करता है। जैसे मानो का वेबसाइट CIT में होस्ट होता है, वहाँ पर सर्वर है, लेकिन बहुत सारे इदारे जो है, छोटे छोटे फर्म्स क्या करते हैं, उनके पास रखने के लिए, सर्वर रखने के लिए जगह नहीं होती, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। मैं एक जगह गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी, और मुझे किसी ने कहा कि ये कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग है। कोल्ड स्टोरेज बिल्डिंग यानी किसान अपने फर्टिलाइजर्स को, जो पैदावार होती है, और उन अशिया को लाके उसके अंदर स्टोर करता है, क्योंकि हर किसान के पास बहुत बड़ा फ्रिज नहीं होता है और उसकी देखभाल के जराए नहीं होते, तो जब जरूरत पड़ती है, जब मार्केट में प्राइस वेरिएशन होता है, तो वो उस वक्त उसको निकाल कर ले जाता है। तो इसी तरह से ये कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड स्टोरेज है। अपना सारा मवाद हम वहाँ पे रख सकते हैं,
ताकि वो सेफली हैंडल किया जाए। हमारे यहाँ पे चूहे आ सकते हैं या कीड़े लग सकते हैं और जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का सारा बर्बाद हो सकता है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में महफूज रहता है। कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसी का एक कॉन्सेप्ट है क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्यों जरूरी है? जैसे हम ईमेल करते हैं, ईमेल करने के लिए न सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए और हमारा टेक्स्ट मवाद चाहिए, हमको इसको भेजने के लिए एक सर्वर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर हमारे सिस्टम्स पे ये चीज़ें हैं तो कभी कभी क्रैश भी हो जाती है। मैंने वायरस का भी जिक्र किया पहले आपसे, हैकिंग के बारे में भी बताया। तो ये चीज़ें जीमेल है, हॉटमेल है, आउटलुक है, इस तरह के बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स। क्या आप समझते हैं कि आपका जीमेल जो आया हुआ है, मेल जो आया हुआ है, आपके सिस्टम में मौजूद है, वो तो कहीं और स्टोर किया गया है? जब आप खोलेंगे तो आपके सामने नजर आएगा, स्टोर करेंगे तो आपके सिस्टम में रहेगा, नहीं स्टोर करेंगे तो ऊपर ही रहेगा। ऊपर जहाँ पे रह रहा है या किसी और सिस्टम में जहाँ पे रह रहा है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से है। क्लाउड कंप्यूटिंग में से किस किस को फायदे हैं? देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक, आपका लैपटॉप उससे जुड़ सकता है, आपका स्मार्टफोन उससे जुड़ सकता है, आपके सर्वर से यहाँ पे जुड़ सकते हैं, आपका मोबाइल आप वहाँ जुड़ सकता है, आपका डेटाबेस का रिकॉर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग में रखा जा सकता है, आप टैबलेट या कंप्यूटर के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख सकते हैं, आप नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को भी इसके अंदर रख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग को कौन कौन फराहम करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग को गवर्नमेंट भी फराहम करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी फराहम करते हैं, या दोनों मिलके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी, जैसे NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा जो है NIC के पास मौजूद है सेंटर में। इसी तरह से प्राइवेट में गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेजन कंपनी है, ये भी बहुत सारा डेटा, यहाँ तो दोनों मिलके भी जो है कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज फराहम करते हैं। ये कितने तरीके के मॉडल हैं? इसके तीन तरीके के मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीन तरीके के मॉडल हैं जिनको मैं तफसील के साथ अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तीन क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ये आर्किटेक्चर, इसकी बनावट कैसी है? क्लाउड कंप्यूटिंग में आप सर्वर्स रख सकते हैं, यानी आपका डेटा जहाँ पे रखा जाता है सर्वर्स, वर्चुअली डेस्कटॉप आपका सारा डेटा वहाँ पे मौजूद है। आप जिन सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आपका ब्राउजर्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी वहाँ पे होंगे। एप्लीकेशंस भी, जैसे जीपे है, योनो बैंक है, फिर ईमेल के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में होंगे। आपका डेटा, आपके पिक्चर्स हैं, आपका टेक्स्ट है, आपकी किताबें हैं, ये सारी क्लाउड कंप्यूटिंग में रखी जा सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हासिल करने के दो तरीके, एक वाईफाई के जरिए, एक डायरेक्ट कनेक्शन के जरिए। वाईफाई के जरिए आप जो है मोबाइल, लैपटॉप या प्रिंटर के साथ जुड़ सकते हैं और इनको कमांड दे सकते हैं। प्रिंटर को प्रिंट करना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कहा जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए बहुत सारे डेस्कटॉप भी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं? तीन सतह हैं। देखिए, आपका लैपटॉप जुड़ सकता है यहाँ पे, फोन जुड़ सकता है, आपके सर्वर जुड़ सकते हैं, डेस्कटॉप है, आपके टैबलेट से, ये सारे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। तीन सतही चीज़ें हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बुनियादी है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है प्लेटफॉर्म, तीसरा है एप्लीकेशन। इन तीनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट करने वाला डिवाइस है, आपका स्टोरेज का डिवाइस है, आपका नेटवर्क का कनेक्शन है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते हैं या कंपनी को भी बनाने के लिए कह सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है
इसकी सहूलियात फराहम करती है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जैसे ऑब्जेक्ट स्टोरेज कर सकते हैं, आइडेंटिटी स्टोर कर सकते हैं, रन टाइम, क्यू और डेटाबेस, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को की तफसीलात में ना जाते हुए बस इतना समझेंगे कि प्लेटफॉर्म्स को भी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए स्टोर किया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे मॉनिटरिंग है, कंटेंट है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको क्लाउड पे रखा जा सकता है। इसी की बुनियाद पर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे अगर हम देखें तो पहला है ऑनलाइन ऑन साइट यानी हम खुद कैसे कंप्यूटिंग का डेटा रख सकते हैं, चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसमें यूजर क्या करता है, ये देखिए दो तरीके हैं, आप खुद मैनेज कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर सकता है। यहाँ पे ब्लू में दिया गया है यू मैनेज, रेड में दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर मैनेजेस। ऑन साइट अगर लेते हैं, ऑन साइट में क्या है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये कुछ चीजें हैं जो कंप्यूटर में जो है हम लोग खुद को मैनेज करना पड़ता है ऑन साइट। ऑन साइट जब करते हैं आप, हम किसी क्लाउड सर्वर की या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की मदद नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम खुद ब खुद करेंगे। अब जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि नेटवर्क हमारा मैनेज, हमारा नेटवर्क जो है वो मैनेज करता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। स्टोरेज हमारा जहाँ पर मालूम रखी जाती है वो स्टोरेज जो है सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। सर्वर्स हमारे सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। यानी हमारा डेटा अगर क्रैश भी हो जाए, हमारे पास ना भी रहे, तो भी सारी मालूमात ऑनलाइन वहाँ पे मौजूद होंगे। आप देखते होंगे कि आपका अगर फ़ोन ख़राब हो जाए तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स पुराने, जब 2G का ज़माना था, 3G का ज़माना था, 3G से पहले आप ईमेल के साथ जोड़ के नहीं रखते थे। आपका सिस्टम खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके डूब जाते थे, दोबारा से आपको लिखने पड़ते थे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में वो ये सारी चीज़ें जो है वो सर्विस प्रोवाइडर स्टोर करता है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक मोबाइल क्रैश हो जाए या गुम जाए तो आप दूसरे मोबाइल में वो सारे डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, ये सहूलत है। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ये सहूलत है कि ये चारों चीज़ें तो जो है ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। उसके साथ साथ और तीन चीज़ें, पहले तो नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन मैनेज हो रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम भी जो है ये सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आखिरी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में नेटवर्किंग है आपका, स्टोरेज है, सर्वर है, वर्चुअलाइजेशन है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वाले मैनेज कर रहे थे, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा था, अब जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला उसके साथ साथ रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशंस भी मैनेज कर रहा है। तो हमें किसी बात की फिक्र की गुंजाइश नहीं। जैसे अगर आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराना, गाड़ी को चलाना, गाड़ी का रिपेयर करना, ये सारे काम आप ही कर रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना बोझ होगा। ये ऑन साइट की तरह है। अब आप गाड़ी लेके आप किसी समझिए किसी शोरूम को हायर करते हैं, तो जब जब गाड़ी रिपेयर में आएगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आपके शोरूम में गाड़ी ले जाके आपका व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट, आपका इंजन ऑयल, पता नहीं सारी चीज़ें जो है, गाड़ी साफ करना, ये सारी चीज़ें वो करता है। ये फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज जो है, आप समझिए कि
आप किसी ड्राइवर को रखते हैं तो ड्राइवर और मजीद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया। अब समझिए कि आप इन सारी चीजों से इतनी मेहनत नहीं लेना चाहते, इतनी तकलीफ, आपके यहाँ जगह मौजूद नहीं है गाड़ी रखने की और हर दिन आप गाड़ी इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, कभी कभार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि टैक्सी की सर्विस इस्तेमाल करें। तो ये टैक्सी की सर्विस जो है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए जैसी है, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो आप जब चाहे ऑनलाइन आप बुक करें, टैक्सी हाजिर होगी, जहाँ चाहना जाएं, फिर न टैक्सी आपकी न आपको उसके मेंटेनेंस की फिक्र है। तो ये चीज है। इस तरह से अगर देखें आप, सर्वरलेस कंप्यूटिंग अलाउज डेवलपर्स टू रन कोड्स फॉर एप्लीकेशंस और बैकएंड सर्विसेज विदाउट हैविंग टू मैनेज सर्वर्स। सर्वर मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है, सर्वर को अटैक से बचाना, सर्वर को कोल्ड मकामत पे रखना, उसकी सेफ्टी, हर तरह के उसके लिए एम्प्लॉयज हायर करना, ये सारी चीज़ें जो है आप बच जाएंगे। और वो चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो आप नए नए प्रोग्राम बनाने पे तवज्जो दे सकते हैं। सेवरल क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आर यूज्ड बाय बिजनेस इंडिविजुअल सच एज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑडियो वीडियो, आप YouTube का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स भेज रहे हैं, वेयर द एक्चुअल मीडिया फाइल्स आर स्टोर्ड रिमोटली। आपका YouTube का अपलोडेड वीडियो आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल में नहीं है, वो कहीं और स्टोर है। अनदर वुड बी डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, गूगल डॉक में जो भी आप डॉक्यूमेंट रख रहे हैं आपके सिस्टम में नहीं है, जब जरूरत है ओपन करिए, लिखिए, बंद कर दीजिए, वो चला जाएगा। ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव बॉक्स, ये चीजें हैं। आप ईमेल, आप ईमेल आपके सिस्टम में नहीं है, जब ओपन करेंगे तब आपके सामने आएगा, देखेंगे, क्लोज करेंगे तो आपके सिस्टम में कोई मेमोरी नहीं लेगा। यूट्यूब का वीडियो आप अपलोड कर दिए, अब यूट्यूब का वीडियो आपकी मिल्कियत है लेकिन होस्ट कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग पे। गूगल प्ले से कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो गूगल प्ले में जो ऐप मौजूद है, ऐप पहले से आपके सिस्टम में नहीं है, ना कि किसी और के सिस्टम में, क्लाउड के सिस्टम में, जब जरूरत पड़े आप जो ऐप चाहिए डाउनलोड कर लीजिए। पॉडकास्ट के जरिए ऑडियो या वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि गूगल क्लाउड क्लाउड में मौजूद है। इसके अलावा गूगल ड्राइव आपको जो चाहे वो सॉफ्टवेयर आपके जरूरत के अतबार से देता है। इस तरह अगर देखें, जिस तरह से यूनिवर्सिटी होती है डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, स्टेट बोर्ड होता है सेकेंडरी एजुकेशन के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग को फराहम करने के लिए कौन है? क्लाउड कंप्यूटिंग को फराहम करने वाले बहुत सारी कंपनीज हैं। सबसे फेमस जो है अमेजन वेब सीरीज है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, तीसरा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अलीबाबा, IBM, इस तरह से मुतअद्दिद जो है प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। कुछ का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस फराहम कर रहे हैं वो है अमेजन वेब सर्विस, जिनको AWS के तौर पर भी देखा जाता है। ये नंबर वन है। नंबर वन इसलिए कि नेटफ्लिक्स के वीडियोस आपने देखे होंगे, नेटफ्लिक्स के वीडियोस नेटफ्लिक्स कंपनी के सर्वर पे नहीं है, ये अमेजन के वेब सर्विस पर सर्विस पे मौजूद है। तो इनको स्टोर करने के लिए जो मेहनत करनी जरूरत है नेटफ्लिक्स वालों को, उसकी फिक्र उनको करने की जरूरत नहीं, कोई और मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग के ये चीज़ें हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फवायद हैं। अब मैं आखिरी स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। कॉस्ट के अतबार से मैंने काफ़ी मरतबा डिस्कस किया, फायदेमंद है, रिलायबल है क्लाउड कंप्यूटिंग में। फिर उसके बाद देखिए कि ये आपको जितनी सर्विस चाहिए उतना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के लिए क्लाउड सर्विस यूज़ कर सकते हैं, एडमिशन से लेकर उनका डिग्री, उनका पासिंग आउट तक। आपके यहाँ 500 हैं तो 500 तलबा के लिए सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा के लिए आपको यूज़ करने की सहूलत है। मज़ीद आप क्रिएट क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, क्लाउड से रिलेटेड एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं या रिट्राइव कर सकते हैं, जब आपको चाहिए डेटा वहाँ से ले सकते हैं।
स्ट्रीम ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम्स कर सकते हैं, डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड मैंने बतलाया, टेस्ट एंड बिल्ड एप्लीकेशन आप बिल्ड कर सकते हैं क्लाउड का कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, एनालाइज डेटा कर सकते हैं जो डेटा वहाँ पे मौजूद है, एम्बेडेड इंटेलिजेंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आप लोगों के साथ बहुत तेजी के साथ डिस्कस की, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ सवाल है तो दो चार मिनट हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, चूंकि मैं बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्या आप लोगों को समझ में आया या आप इसको मजीद SLM में पढ़ के और ज्यादा तफसीलात हासिल करें। मैं आपके जवाब का मुतमन्नी हूँ। जी सर, बहुत अच्छा समझ में आया, नया नया टॉपिक था सर, लेकिन हमने गौर से सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में तो आया सर। जज़ाकअल्लाह। मैं क्या कंटेंट अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको? सर कंटेंट भी अच्छा था और प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सर। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक है लेकिन आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, कि हम गौर से सुनते हैं आपकी बात को। देखिए ये कंटेंट इस तरह का था कि मैं सवाल आप पूछता रहूं तो आपके जवाब में डाइवर्ट हो सकते थे, इसलिए मैंने उसका आपको प्रोविजन दिया था। जी सर, जी सर। वसीम सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, टाइम क्लोज हो रहा है तो इसलिए मैं आपके हवाले करता हूं क्लास को। बेहद शुक्रिया सर, वाकई में बहुत ही मौसर अंदाज से आपने तमाम चीज़ों को बताया है सर, और हमारे जो तलबा है और मैं खुद बतौर तालिब इल्म मैं आपके लेक्चर्स को बड़ा ही जिन बारीकबीनी से और मुतवज्जे होकर सुनता हूँ सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो उसको जस्टिफाई किया है अपने टॉपिक को, बेहद शुक्रिया सर। मैं आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह अज़ीम नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। अब जो है तो लंच होगा और उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेशन होगा। जज़ाकअल्लाह खैर। यूट्यूब चैनल तालीमी तकनीकी तहकीकी बसीरत तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है। मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।